लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत ने महाशक्ति बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा लिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी घोषणा में यह कहा कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद अब भारत पूरे विश्व में चौथी ऐसी महाशक्ति बन गया है जो अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को 3 मील में मार कर गिरा सकता है। अभी तक यह ताकत सिर्फ 3 देशों के पास थी, पर अब भारत के पास भी यह ताकत आ गई है। इसका अर्थ यह है कि यदि भविष्य में सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष में युद्ध लड़ा गया तो भारत भी किसी भी सैटेलाइट को 3 मिनट में मार कर गिरा सकता है। सवाल इस बात का है कि अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तेजी के साथ अंतरिक्ष में सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं उससे यह संभावना है कि भविष्य का युद्ध अंतरिक्ष में भी हो सकता है, और इस आशय की कई फिल्में भी हॉलीवुड में बन चुकी है, लेकिन जिनमें अंतरिक्ष में युद्ध बताया गया है सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी देश की निगरानी और उससे जासूसी अड्डों की खोज बेहद आसान हो गई है, और भविष्य में इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि किस सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और यही वजह है कि भारत में लंबे समय से इस पर काम हो रहा था। आज जब उसे अंजाम दिया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इसकी सूचना दी, और उसके बाद तो ऐसा लगने लगा कि भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित कर ली है। निश्चित रूप से भारत के वैज्ञानिकों की यह बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका, चीन और उसके बाद कई ऐसे देश हैं जहां शक्ति बनने की राह पर है, लेकिन भारत में जो सफलता हासिल की है वह वाकई बेहद सराहनीय है। वैसे आम तौर पर अभी जो सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं वे मौसम संबंधी सूचनाएं और संचार माध्यमों का काम करते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।